हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्टोरी टाइम ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं गया था रांची और हजारीबाग दोनों साथ में। पहले गया था रांची, उसके बाद हजारीबाग गया था। तो मैं ब्लॉग थोड़ा बहुत किया था, तो मैं कुछ काम से गया था, लेकिन मेरा काम भी हो गया लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाया उसी चक्कर में। तो थोड़ा बहुत शूट किया था, तो उसको आप लोग देख लीजिए। बाकी फिर से आएगा न्यू ब्लॉग सुधा कॉम्प्लेक्स मार्केट का, जोर से एक बार जाएंगे घूमने। तो दोस्तों, बने रहे ब्लॉग के एंड तक। तो चलिए गाइस, चलते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बरकट्ठा से बरही तक गए ऑटो में। तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग वहाँ से एसी बस पकड़ के उसके बाद सीधा निकले रांची के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑटो में दोस्तों। ये देख लीजिए, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये बंदा बरकट्ठा से भी तो जा सकता था बस में बैठ के, लेकिन किस लिए नहीं गया, दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि उस टाइम इलेक्शन का टाइम था एंड बस वगैरह वगैरह नहीं चल रहा था, इसलिए मैं ऑटो से पहले बरही गया, बरही से फिर रांची गया। तो रांची जाते जाते काफ़ी लेट भी हो चुका था दोस्तों, ऑलमोस्ट शाम हो चुका था। तो आप लोग देखते रहिए ब्लॉग को एंड तक और इन्जॉय कीजिए। मैंने रोडों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बेहतरीन सीन भी कैप्चर किया है, तो वो चीज़ भी आप लोग देख ही लीजिए दोस्तों। और चलिए भी चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा एंड काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को भी हैप्पीनेस फील होगा दोस्तों इस ब्लॉग में। हाँ तो गाइस, अभी मैं अभी बुट्टी मोड़ में देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। तो अभी मैं जस्ट गाड़ी से उतरा हूँ, उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों अभी विशाल मेगा मार्ट सबसे पहले घूमने। तो लेट्स गो फ्रेंड, चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा भी घूमे और विशाल मेगा मार्ट भी गए थे घूमने, जो काफ़ी बड़ा यहाँ पर शॉपिंग मॉल है एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तो वहाँ पर गए थे, तो आप लोग वहाँ पर भी ये वीडियो थोड़ा बहुत बनाया था, वो भी देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं विशाल मेगा मार्ट पहले, उसके बाद फिर जाएंगे रूम में स्टे करने जहाँ पे मैं अपने होटल में रुका हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं विशाल मेगा मार्ट एंटर करने के बाद दोस्तों मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की एंड काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस में मिल रहा था कपड़े, इसलिए और भी ज़्यादा ले लिए। तो अभी लोग देख सकते हैं मैं कौन कौन से कपड़े लिया, वो भी आप लोग दिखा देता हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों, मैं शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद दोस्तों निकल चुका हूँ फिर से। तो रात को मेरा काम था कुछ वहाँ पे रांची में, उसके बाद फिर सुबह हजारीबाग के लिए निकल लिया था। तो दोस्तों, अब सीधा मैं मिलता हूँ कल सुबह बस में। तो दोस्तों, अभी मैं निकल चुका हूँ हजारीबाग के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं मैं अभी बस में बैठ चुका हूँ एंड काफ़ी सुबह निकला था क्योंकि मॉर्निंग में सुबह काफ़ी लोग ट्रैवल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही खाली बस में मिल चुका सीट है मैं। तो अभी मैं निकल ही रहा था कि थोड़ा सोचा ब्लॉग भी बना लूँ, क्योंकि टाइम मेरा पास बहुत कम है इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रहा। तो देख सकते हो दोस्तों, मैं अभी हूँ हजारीबाग का गांधी मैदान में। तो ये देखिए, कुछ गांधी मैदान का इवनिंग का सीन कुछ इस तरह से है एंड अभी रात को काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाते हैं यहाँ पर, पता है मुझे। और इधर देखिए मंदिर,
हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं अभी शाम हो चुकी है गांधी मैदान में एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग आ चुके हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा लग चुकी है। और दोस्तों मैं कल सुबह यहाँ से निकलने वाला हूँ तो रात भर यहीं पे कृष्णापुरी चौक में स्टे करने वाला हूँ, मेरा वहीं पे एक रूम है। तो दोस्तों उसके बाद सुबह मिलते हैं, लेट्स गो फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये है अगली दिन की अगली सुबह, तो मैं रूम से निकल चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे निकलते ही इधर देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है एंड अभी होटल देख सकते हैं इधर एंड अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चौक। तो चलिए दोस्तों, तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट चौक दोस्तों, ये देख सकते हैं क्योंकि ऐसे बस मिलने वाली है बस इकट्ठा के लिए। तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते इसलिए। तो लेट्स गो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस टाइप के व्लॉग और भी चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़ोर से बताएं दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।